एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ निमिषा। और हम लेके आ गए हैं एक नया चैलेंज। बेसिकली ये इम्तिहान होने वाला है हमारा कि हमारी कितनी नॉलेज है अबाउट द रिडल्स। रिडल्स आपने सुना होगा, पहेलियाँ, यू नो, ये ऐसा होता तो वैसा होता, फलाना ढमकाने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। एक बेसिक रिडल टेस्ट होने वाला है, इसमें देखते हैं कि हम कितना आंसर कर पाते हैं, हमारा दिमाग कितना इनके क्वेश्चन को पकड़ पाता है, इसी के बारे में पूरा वीडियो है। साथ साथ आप भी हमारे जवाब देना, तो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं दुनिया घूमता हूँ पर मैं कोने पड़ा हूँ। बैग 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 बैग। मतलब मैं आलसी हूँ। समझ में नहीं आ रहा। या तो मुझे लग रहा है ये गूगल मैप्स रिलेटेड कुछ है। नहीं बट साथ में जाती है। क्या क्या जाता है अपन लोग जब घूमने जाते हैं तो? ट्रैवल पासपोर्ट, टिकट्स, कोने में और क्या रहता है? लगेज। लगेज भी साथ में जाता है, कोने में रहता है। नहीं, मैं नशेड़ी हूँ। अरे क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है और आदमी भी गलत है जिसने ये क्वेश्चन बनाया है। एनाबेल, एनाबेल, एनाबेल डॉल। अरे उसको मूवी में कचरे के डब्बे में नहीं फेंकाते लेकिन वो बार बार वापस आ जाती है। हाँ, या गार्बेज बैग भी हो सकता है। डस्टबिन, सॉरी डस्टबिन, ये डस्टबिन। क्या चीज़ है यार, मैं क्या फेंकता हूँ वो मेरे बॉल। लेकिन मैं बॉल को कचरे में थोड़ी फेंकता हूँ यार। कुछ ऐसे ही होगा जो कि डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। मे बी पॉलीथिन हो सकती है। You always threw me in the garbage, but I always come back. What am I? Maybe my ex? My ex? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो हम लोग गिफ्ट रिकवरी डिपार्टमेंट से हैं। आपके जो एक्स बॉयफ्रेंड थे उन्होंने कहा है कि आपको जितने भी गिफ्ट्स दिए थे ना तो सूद समेत वो आपसे वापस निकलवाने हैं हमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जवाब है कचरे का डब्बा। फोन वाला बूमरैंग है। ऐसे घंटा नहीं बता पा रहा भाई, मैं एक नहीं बता पा रहा ऐसे तो। My heart. किसी का गुरूर आप तोड़ सकते हो, मतलब आप मेरा मुंह खुलवाओ, अपन तोड़वा देंगे। भगवान है क्या बे? You can break record. Promise. My heart. You can. आइस तो अपना पिघल जाता है, वो टूटता नहीं है। Promise. वादा। आप किसी का वादा तोड़ सकते हो क्योंकि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। ऐसा कहीं नहीं होता है, ये सिर्फ गानों में होता है एंड आजकल ये गाने भी नहीं चलते हैं। ठीक है, तो मूविंग ऑन, प्रॉमिस। इस मतलब कि एक ऐसी कोई भी चीज जिसके बहुत सारे दांत है पर वो काट नहीं सकती। कभी कभी क्या है, घर वाले लोग से बहुत डांट दिया। थोड़ी ढंग की वीडियो बना लिया कर चमगादड़। हेयर ब्रश। सही बोल रही थी मैं, हेयर ब्रश। इसकी माँ का ब्रश जो लगा लेते हैं ना इनके दांत खराब हो जाते हैं, वो वाले नहीं, उनमें भी सेम टू सेम टीथ होते हैं लेकिन वो अपने आप नहीं काट सकते। नाइफ से तो बाइट कर ही सकते हैं, उसके दांत नहीं होते। ये मेरे हिसाब से ग्राइंडर होना चाहिए, ग्राइंडर में भी वो टीथ टाइप की चीज होती है। कंघा। ये हाँ, पर कंघे के दांत कहाँ रहते हैं? वो तो ऐसे ऐसे निकले, हाँ वैसे दांत ही रहते हैं वो, कायदे में वो काट नहीं सकता। हाँ, कंघा।
अच्छा 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 एक सेकेंड, ये इजी है थोड़ा सा यार, कौन कंगी कंगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आज हमने बात करी कि यार बेसिक रिडल टेस्ट में कौन कौन पास हो पाता है कौन नहीं। मेरा तो हमेशा का वही है यार, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट एज यू नो, कुछ आंसर आते हैं कुछ नहीं, बट आपको कितना आता है, आपका ज्ञान कितना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो यार। शर्माते क्यों, शर्माने की जरूरत नहीं है। और वीडियो कैसे लगा वो भी मत बताना भूलना। तो कमेंट बॉक्स नीचे है, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सून। थैंक यू।